नमस्कार, मेरा नाम है रुपेश और आप सभी का स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप हॉस्टल वार्डन, एसआई भर्ती, शिक्षक भर्ती, लेबर इंस्पेक्टर, यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी है छत्तीसगढ़ में, बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगा। और हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लास कराया जा रहा है, रिकॉर्डेड के तौर पर बिल्कुल आपको फ्री क्लास मिल जाएगा हमारे चैनल पर। अगर आप छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान प्लस कंप्यूटर की तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जा रही है। अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं, व्यापम पीएससी निकालना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं, अगर आप एक पोस्ट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को देखना, स्किप नहीं करना, चाहे वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपको अच्छे से तैयारी करना है। अगर तैयारी करना ही चाहते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ आपके व्यापम और पीएससी से, जो कि आपके विगत वर्षों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तैयारी करना ही चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से जाइएगा, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, जिसमें छत्तीसगढ़ की नदियाँ, जल प्रवाह, जल प्रपात से कम 2 से 3 नंबर प्रश्न बिल्कुल पूछे ही जाएंगे। और जैसे कि मैं आपके आने वाले एग्जाम यानी कि हॉस्टल वार्डन, जिसका 20 मई से प्रारंभ हो जाएगा ऑनलाइन आवेदन, उसी प्रकार आपका है एग्जाम लेबर इंस्पेक्टर, इसमें 34 पदों पर भर्ती है, जिसका 18 जून को इसका एग्जाम हुआ। इसीलिए कह रहा हूँ एक महीने आपके पास समय है, यानी कि व्यापम आपका एक महीने का समय देता है, ठीक है। व्यापम आपको कितने दिन का समय देता है? सिर्फ एक महीने का समय देता है, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं मिलने वाला। उसी प्रकार अगर एग्जाम पीएससी लेता है तो आपको 2 से 3 महीने समय देता है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, जितने भी अगर व्यापम वाले हो तो तैयारी करनी स्टार्ट कर दो, और पीएससी वाले हो बिल्कुल। देखिए अभी क्या है कि हॉस्टल वार्डन का जो सिलेबस है बिल्कुल नए पैटर्न पर आया है, उसमें बाल मनोविज्ञान का 10 नंबर डाल दिया है, यानी कि ऐड कर दिया है। लेबर इंस्पेक्टर में भी आपको श्रम विभाग से 15 नंबर का प्रश्न ऐड किया गया है, लेबर इंस्पेक्टर का 150 नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी प्रकार हॉस्टल वार्डन में भी 150 नंबर के प्रश्न। सिलेबस पूरा सेम रहेगा, आपको तैयारी करना है। सिलेबस क्या रहेगा? सेम रहेगा, तैयारी करना है, लगन से मेहनत करना है, तैयारी करना है, सिलेक्शन लेना है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, हॉस्टल वार्डन, एसआई भर्ती, शिक्षक भर्ती, लेबर इंस्पेक्टर, पटवारी, अमीन पटवारी, जितने भी भर्तियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। जितने भी प्रश्न आज पूछे गए हैं व्यापम पीएससी, जितने भी हैं विगत वर्षों का पूरा निचोड़ लेकर आया हूँ वन लाइनर के तौर पर। चाहे आप हॉस्टल वार्डन, एसआई भर्ती, एडीओ, अमीन पटवारी, लेबर इंस्पेक्टर, पुलिस भर्ती, जितने भी परीक्षाएं होगी, अभी हॉस्टल वार्डन के 500 पद हैं, लेबर इंस्पेक्टर के 34 पद हैं, प्रशिक्षण अधिकारी के 366 पद था जिसको बढ़ाकर 920 पद कर दिया गया है। पूरी जितने भी अभी वैकेंसी हैं व्यापम पीएससी में, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी व्यापम का देखेंगे, पीएससी का देखेंगे, सभी देखिए यहाँ पर व्यापम, पीएससी, हॉस्टल वार्डन, जितने भी सभी फूड इंस्पेक्टर, सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो विगत वर्षों का प्रश्न देखेंगे छत्तीसगढ़ जी के, छत्तीसगढ़ में आपका नदियाँ से प्रश्न देखेंगे, जो आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से चैनल पर जुड़ जाइएगा डेली क्लास करने के लिए, ऐसा वीडियो आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। मैं बार बार कह रहा हूँ, सबसे पहले वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, नदिया से प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हॉस्टल वार्डन में आपके 15 से 20 नंबर प्रश्न छत्तीसगढ़ जीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर आप चैनल पर जुड़ना ही चाहते हैं, डेली क्लास करना चाहते हैं तो लगे रहिएगा वीडियो पर, स्किप नहीं करना है, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ऐसा वीडियो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, आपका व्यापम पीएससी में पूछा जाएगा। तो हम सबसे पहले पूरा व्यापम में जितना भी प्रश्न पूछा गया है, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ की नदियाँ से प्रवाहित हो रही है, जितने भी जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं पूरा हम देखने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। वीडियो को एक बार में याद नहीं हो तो, दो बार में याद नहीं हो तो, 3 बार में याद होगा। वीडियो को डाउनलोड कर लो और 2 से 3 बार वीडियो को देख डालो, रट डालो, ठीक है। छत्तीसगढ़ की गंगा यानी कि जीवन रेखा यानी कि सबसे लंबी नदी महानदी को कहा जाता है, जो कि हमारा 858 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जबकि छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सी? महानदी। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा को महानदी कहा जाता है, गंगा नदी भी महानदी को कहा जाता है, ठीक है। बस्तर की जीवन रेखा
इंद्रावती नदी प्राचीन नाम क्या है? मंदाकिनी नदी। सरगुजा की जीवन रेखा रिहंद नदी, प्राचीन नाम रेंड नदी, जो वर्तमान में इसकी सहायक नदी भी रेंड नदी के नाम से जाना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली और सबसे लंबी नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी। जितने भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ विगत वर्षों से हैं और जो भी है सभी व्यापम पीएससी में पूछा जा रहा है। तो देखिए, शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ के सबसे प्रदूषित नदी शंखिनी नदी यानी कि दंतेवाड़ा, भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा जलप्रपात यहाँ पर आपका 300 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब जो प्रश्न करने जा रहे हैं आपका वन लाइनर है जो कि पूरा पीएससी और व्यापम सहित पूछा गया है। याद करिएगा, रट डालिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ वीडियो को रट डालिएगा, जितने भी प्रश्न हैं अभी का वन लाइनर है ना, पूरा रट डालिए, हर एक एग्जाम में आएगा, रट्टा मान लीजिए। नांद घाट किस नदी के किनारे स्थित है? जो नांद घाट है आपका सीजीपीएससी सीएमओ 2019 में पूछा गया है, शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है। हसदेव नदी किस कौन से जिला में स्थित है? महिला पर्यवेक्षक में पूछा गया है कोरबा। ये ताला गांव विकास नहीं है, ताला गांव है, ठीक है। ताला गांव नदी किस नदी पर स्थित है? मनियारी नदी। रायपुर किस नदी के किनारे बसता है? तो आपका जाएगा खारून नदी। हमेशा याद रखना, रायपुर से अगर एग्जाम में प्रश्न पूछता है कौन सी नदी में, आप बताएंगे खारून नदी, याद रखना है ना, खारून नदी। रायपुर के प्रसिद्ध मेला, देखिए जो भी मेला लग रहा है आपका रायपुर का वो भी खारून नदी है, आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हसदेव तट पर स्थित जितने भी प्रश्न हैं आपका व्यापम पीएससी व्यापम 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 पीएससी में पूछा गया है। मैं बार बार कह रहा हूँ तैयारी कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। जितने भी प्रश्न लाऊंगा एक महीने के रणनीति के साथ, है ना। बात रहा है कि व्यापम आपको एक से डेढ़ माह का समय देता है, पीएससी आपको दो से तीन माह का समय देता है। और सबसे बड़ी बात है कि हॉस्टल वार्डन ने पीएससी एग्जाम ले रहा है और आपको दो से तीन महीने समय दिया जाएगा। चलिए, जगदलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका इंद्रावती सीजीपीएससी 2016। हसदेव तट पर स्थित है चांपा सीजीपीएससी सीजी व्यापम आर आई यानी कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर। शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है दुर्ग, राजनांदगांव और भिलाई को छोड़ दिया, ठीक है। भिलाई यहाँ पर दिया गया, भिलाई आएगा यहाँ पर, ठीक है। सीजी व्यापम 2014। छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जलमार्ग किस नदी पर है? तो सबरी नदी पर, यह भी आपका 13 में। कलमा बांध हमेशा पूछता है महानदी पर है, व्यापम 2017। छत्तीसगढ़ में गंगरेल बांध, ये आपका कहाँ है? धमतरी। गंगरेल बांध धमतरी जिला में स्थित है, संघ रविशंकर जलाशय। छत्तीसगढ़ में कौन सा बांध निम्नलिखित बना है? खरखरा बांध। याद रखना आपका पीएससी और व्यापम में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा बांध है जो बांध मिट्टी से बना है, तो आपका आ जाएगा खरखरा बांध। देखिए यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर में पूछा है छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित जिला नारायणपुर सीजीपीएससी 2019। खुटाखाट बांध किस नदी पर स्थित है? खारंग नदी। किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? हसदेव नदी। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध बांगो बैराज बांध, यह पर सीजीपीएससी 2018 में। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हसदेव बैराज स्थित है? कोरबा सीजीपीएससी 2017 और व्यापम पटवारी में भी आया है। रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी, व्यापम में, लेखापाल 2017 में। अब चलिए यहाँ से हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देख चुके हैं, पूरा कंप्लीट जानकारी। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, टोटल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से आपके 15 से 20 नंबर छत्तीसगढ़ की क्लास से प्रश्न पूछा जाता है आपके व्यापम में और पीएससी में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, सभी तैयार हो जाइएगा टेस्ट ग्रुप में, टेस्ट सीरीज के तौर पर टेस्ट में लगाइएगा, जितने भी प्रश्न हैं सभी व्यापम में आया हुआ है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी है, जो कि 858 किलोमीटर में फैली है, जबकि छत्तीसगढ़ में आपका 286 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ तक याद रखना, सीजीपीएससी 2013 में पूछा है। अब आप लोग कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा क्या क्या आएगा, ठीक है। आभनेर, मुस्का और पिपरिया तीन नदियों का संगम है, वो कौन सा है? दंतेवाड़ा, खैरागढ़, बगीजा या तखतपुर। 30 सेकंड का आपको समय दे रहा हूँ मैं, जल्दी से फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करो। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं वीडियो को कमेंट करते जाइएगा।
और रही सबसे पहली बात यह कि मैं इतना मेहनत करने के बावजूद मैं इतना मेहनत करता हूँ, बिल्कुल फ्री क्लास दे रहा हूँ आपको, रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ, फिर भी आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो पर कमेंट करें, जितना हो सके कमेंट करें, डाउट होता है कमेंट करते जाइए, कहीं पर डाउट होता है हम बताएंगे आपको, कमेंट करते जाइए पूरा जितना हो सके कमेंट करें, है ना, क्या आएगा, कौन सा आंसर आएगा। तो मैं आपको 30 सेकंड का समय दिया हूँ, आंसर ए बी सी या डी कौन सा कमेंट करके बताइएगा, दंतेवाड़ा, खैरागढ़, बगीचा या तखतपुर। तो इन लोगों में यहाँ पर आंसर आया है बी, जितने लोगों का आंसर बी आया है बिल्कुल राइट है, खैरागढ़, ठीक है, इसका आंसर आपका खैरागढ़ होगा। चलिए अब इसका आंसर बताइएगा क्या आएगा, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल, इंद्रावती नदी का जो इंद्रावती नदी है आपका, इसका उद्गम स्थल पूछा गया है, उद्गम स्थल, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। 30 सेकंड का आपको फिर समय दिया जा रहा है, फटाफट कमेंट करने स्टार्ट करें, गधे के तौर पर ना बैठे, जो लोग गधे के तौर पर बैठे हैं कमेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, वीडियो को ना देखें, स्किप कर दो, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा। जो तैयारी करना चाहते हैं और सभी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं कमेंट करते जाइएगा, यही तो आपके लिए एक अच्छी विचार है, एक समय दिया है आपको टेस्ट में, क्या आएगा, बिल्कुल कालाहांडी ओडिशा, जितने लोगों का आंसर ए आ रहा है ना बिल्कुल सही है, और जिनका आंसर नहीं आ रहा है वो भी कमेंट करना स्टार्ट करें, कम से कम आपका सही होगा, आपको तुक्का लगाने वाली बात नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप व्यापम में बैठते हैं एग्ज़ाम दिलाने के लिए तो आपको एक क्वेश्चन एक मिनट में सॉल्व करना पड़ता है ना, है, तो यहाँ पर आप फटाफट कमेंट करें, आप ऑब्जेक्टिव तौर पर क्वेश्चन लाया हूँ, फटाफट ए बी सी जो आपको याद है सब कमेंट करो, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, हम आपको आंसर बताएंगे, ठीक है। दुधावा जलाशय कहाँ है निर्माण, कौन सा नदी पर किया गया दुधावा जलाशय, इंदिरा, हसदेव, महानदी, शिवनाथ, कमेंट करना स्टार्ट करें फटाफट, जल्दी सभी का कमेंट करना आ रहा है, ठीक है, जल्दी से ए बी सी डी क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो। हाँ 90% लोगों का आंसर आया है 90%, तो 10% भी यहाँ पर कमेंट कर दो। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आंसर सी लिया गया है, महानदी, और बिल्कुल सही है। मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है, मनियारी नदी जो आपका कौन सी और किसकी सहायक नदी है बताएं, मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है, हसदेव, महानदी, मांड या शिवनाथ नदी, कमेंट करने स्टार्ट करें। यहाँ पर देखिए 248 लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, ठीक है, आप सभी से मुझे पूछना चाहिए, बिल्कुल फ्री है, रिकॉर्डेड क्लास है, वीडियो को लाइक कर दो, जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दो, और आगे तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यहाँ पर जो लोग सब्सक्राइब किए हैं उसी को मैं नोटिफिकेशन अब भेजूँगा, वही लोग देख पाएंगे मेरा चैनल, ठीक है। हाँ जो लाइक किए हैं सब्सक्राइब किए हैं उसी के पास अब से ही नोटिफिकेशन भेजा जाएगा, सबके पास नहीं भेजूँगा मैं, क्या है आप लोग वीडियो देखते हो, मैं इतना मेहनत कर से आपको पढ़ा रहा हूँ फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या है, हमें क्या चाहिए, बस आपको अच्छा पढ़ाना है, ठीक है, आपको अच्छा से पढ़ाना है, अच्छा तैयारी करवाना है, मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस में आपको मैं तैयारी करा रहा हूँ, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है विगत वर्षों का। जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दो, जितना हो सके, ऐसा वीडियो दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो तभी करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। तो मनियारी किसकी सहायक नदी है, जो मनियारी है आपका शिवनाथ नदी, कितने लोगों का आंसर आया है शिवनाथ नदी, वेरी गुड, 56% लोगों का सही शिवनाथ आया है, जबकि महानदी 37%, तो हम इसमें जाएंगे 56% वालों में आंसर डी होगा।
तांदुला नदी का उद्गम बताइए। तांदुला नदी का उद्गम जो तांदुला नदी है, कांकेर, राजनांदगांव, दुर्ग या बिलासपुर। बिल्कुल आंसर सही आंसर ही आया है, क्वेश्चन पढ़ा नहीं वो आंसर आ गया। छत्तीसगढ़ की जीवा रेखा महानदी का उद्गम स्थल क्या है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है, छत्तीसगढ़ की जीवा रेखा सिहावा पर्वत कहाँ से निकलती है? सिहावा पर्वत कहाँ से निकलती है? सिहावा पर्वत, कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। सिहावा पर्वत कहाँ से निकलती है, फटाफट कमेंट करें, कमेंट करने स्टार्ट करें। छत्तीसगढ़ की जीवा रेखा इसका आंसर ए होगा, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, लेकिन ये जो सिहावा पर्वत है कहाँ से निकलती है? बिल्कुल राइट, कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। राजपुरी प्रपात किस जिले में स्थित है? आंसर ए, बी, सी या डी। 30 सेकंड का समय है, कमेंट करो, कमेंट करो, 30 सेकंड का समय है। राजपुरी जलप्रपात बिल्कुल सही है आंसर है। कितने लोगों का आंसर है? 70%। जसपुर आएगा ना, जसपुर बिल्कुल राइट। चलिए चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात जल्दी से बताइए बस्तर ज़िले में है, कौन सी नदी पर? इंद्रावती, सबरी, कोटरी, नारंगी। बिल्कुल आंसर आया है, कितने लोगों का आया है फटाफट कमेंट करें। इंद्रावती बिल्कुल सही, जितने लोगों का इंद्रावती नदी आया बिल्कुल सही है ना। चलिए छत्तीसगढ़ राज्य कौन सी नदी रायपुर और जांजगीर चिपक के निर्धारित करती है? चलिए बताइए राज्य में रायपुर और जांजगीर, बिल्कुल सही है महानदी, कितने लोगों का आया है? 90% लोगों का आया है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही अगर आंसर आता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, और आंसर कमेंट नहीं करते तो मुझे बेकार लगता है, पढ़ाने का मन नहीं करता। क्या आएगा? निम्नलिखित स्थान में कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर समीपवर्ती है? दक्षिण से, ये आपका दक्षिण जिला है, ठीक है, मान लीजिए ये आपको उत्तर है, तो यहाँ से स्थित दक्षिण से उत्तर की ओर समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित, आपको CGPSC में पूछा गया 2015 में। क्या आएगा आंसर? दक्षिण से ना, इधर से ऐसे जाएगा, इधर से ऊपर की ओर, ये आपका उत्तर हो गया। एक मिनट ना, कमेंट ना करें। उत्तर, दक्षिण, अब चलिए प्रारंभ कीजिएगा। दक्षिण में सबसे पहले क्या आएगा आपका? राजिम, उसके बाद आ जाएगा सिरपुर, ठीक, उसके बाद पलारी, उसके बाद शिवरीनारायण, ठीक, ये आपका आंसर बी। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, आप सभी को मालूम है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी। अब इसका कौन से किलोमीटर कितने क्षेत्र में फैला हुआ कमेंट कर बताइए। आंसर ए 332, आंसर बी 290, आंसर सी 286 और आंसर डी 336। चलिए क्या आएगा? छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है जो कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है? आंसर ए, बी, सी या डी, कौन सा आएगा कमेंट करके बताओ। मतलब आपका आंसर बता दिए, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है, कितने? बिल्कुल सही है। जितने लोगों का आंसर 290 जा रहा है ना, बिल्कुल सही है, तैयारी पक्का है, तुम लोग का सिलेक्शन लेना ही चाहते हो, तैयारी पक्का है, जितने लोगों का आंसर भी आया बिल्कुल सही है। चलिए सूखा किस नदी के सहायक नदी है? सूखा है आपका, ये जो सूखा है इंदिरा, गोदावरी, सोनी, महानदी। हाँ कमेंट करो, कमेंट करो, जितने भी बड़े हैं यहाँ पर जो, महानदी, कितने लोगों का आंसर महानदी आया? बिल्कुल सही है आंसर डी। राज्य का सबसे चौड़ा एवं सर्वाधिक जलप्रपात है, ये तो बिल्कुल सही है, चित्रकूट, चित्रकूट जलप्रपात। पानी डोंगरी पहाड़ियों में कौन सी नदी महानदी से मिलती है? बी और तेल, तेल और पैरी है ना, कितने लोगों का आंसर आया? बी और सी आएगा ना, इसको छोड़ दो। यहाँ से देखो, छत्तीसगढ़ राज्य उड़ीसा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा था? यह आपके एग्जाम में आया था, व्यापम और PSC में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में उड़ीसा के मध्य, जो उड़ीसा है आपका, ठीक है, उड़ीसा के बीच में जो अभी जल बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था, कौन सी नदी पर चल रहा था? इंद्रावती, इब नदी, महानदी या सबरी नदी, कमेंट करके बताओ, 30 सेकंड का समय है, फटाफट कमेंट करो। ए, बी, सी या डी, क्या आएगा? बिल्कुल डी, जितने लोगों का आंसर डी आया बिल्कुल सही, इंद्रावती नदी। केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? केंदई से आता है कोरबा,
आंसर क्या आएगा? कोरबा। तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात। महादेव। ठीक है, चलिए लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी? बस्तर संभाग, बस्तर संभाग है ना, दो भाग में, दो भाग में विभक्त कर दिया, अलग अलग कर दिया, कौन सी नदी है? महानदी, इंद्रावती, गोदावरी, सबरी। बिल्कुल सही है आंसर। सी जितने लोगों का आया है बिल्कुल सही है। और आप सभी के लिए क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करके स्टार्ट कीजिएगा, इसका आंसर क्या आएगा? चित्रकूट जलप्रपात की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है? चौड़ाई के लिए, ऊंचाई के लिए, दुर्घटनाएं के लिए, धार्मिक संबंध के लिए। ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इसका आप लोग सॉल्व होकर के बताइएगा कमेंट करके क्या आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कंटिन्यू कीजिएगा, पार्ट टू वीडियो आ जाएगा कल से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम करेंगे पार्ट टू में, बिल्कुल जनजाति वगैरह से, जनगणना से। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज की क्लास स्टार्ट हो चुकी थी नदिया से, हम कल देखेंगे पार्ट टू में आपका जलप्रपात, जनजाति वगैरह, गणना से। ठीक है, ओके, कंप्यूटर क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जाइए ज्वाइन कीजिएगा। समय देखिए, समय है आपका 7:30, 9:30, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड।